आज तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रबुद्ध जन गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में शहर के सभी गणमान्य तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस गोष्ठी का समस्त प्रबंधन तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति महोदय माननीय सुरेश जैन जी ने योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत किया तथा TMU आने पर आभार व्यक्त किया। स्वागत करेंगे मनीष जैन, वाइस चांसलर है तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय जी, माननीय सांसद जी, माननीय नवाब सिंह नागर जी, श्री राजेश चुन्नी जी क्षेत्रीय विधायक, डॉक्टर जयपाल सिंह बैल जी सदस्य विधान परिषद, माननीय सुशांत जी विधायक बड़ापुर। आज की इस मंगलमयी वेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी आह्लादित हैं। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपके समक्ष प्रशस्ति पत्र का पाठन करते हुए मैं सुरेश जैन, कुलाधिपति तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। गुरु गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर, स्वभाव से सन्यासी लेकिन कर्म साधक, कर्मयोगी, कुशल प्रशासक, देश प्रेमी, हिंदुत्व विचारधारा के प्रबल समर्थक, पशु प्रेमी एवं वर्ष 1998 में 12वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के निर्वाचित सांसद, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की 12वीं, 13वीं, 15वीं और 17वीं लोकसभा में सांसद के रूप में निर्वाचित होकर जन समूह में व्याप्त अपनी लोकप्रियता को सफल सिद्ध किया है। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में प्रबुद्ध जनों के आज के सम्मेलन में उपस्थित विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रीमान सुरेश जैन जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर यूसी रस्तोगी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, कुलाध्यक्ष TMU सरविंद गोयल जी, माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह जी, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं आप सबका। एक संक्षिप्त सूचना पर आप सब इस सम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, लेकिन समाज का एक बड़ा तबका जो वास्तव में ओपिनियन मेकर है, वह इस प्रकार के कार्यक्रमों में अपनी व्यस्तता के कारण या अन्य कारणों से वह उसमें सहभागी नहीं हो पाता है। तो स्वाभाविक रूप से उन्हें संवाद बनाने के लिए इस प्रकार के प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन अत्यंत ही बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं, आम जनमानस के मानस को परिवर्तित करने में। आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।